हेलो एवरीवन, दिस इज मनमोहन तिवारी एंड यू आर वाचिंग अवर चैनल फिनेंशियल पंडित। एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आया हूँ। हर एक दिन म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ। वाकई में आप चाहते हो वीडियो का अपडेशन सबसे पहले मिले, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, लाइक और शेयर करना ना भूलो। आज वीडियो में क्या होगा मैं आपको बता दूं। आज मैं एक NFO के बारे में डिस्कशन करूंगा। एग्जैक्टली मैं एक्सिस हेल्थ केयर ETF के बारे में बात करूंगा। आज वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इस NFO के साथ कैसे इन्वेस्टर जुड़ सकते हैं, ऐसे NFO में या ऐसे फंड में एग्जैक्टली कैसे इन्वेस्टर को यहाँ पे आना चाहिए और कैसे इन्वेस्टर को यहाँ पे दूरी बनाना चाहिए। इस वीडियो में मैं इस फंड का थोड़ा सा डिटेल भी बताऊंगा। इसके साथ ही साथ जो इस फंड में स्टॉक्स हैं हम उस पर भी फोकस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इस NFO की बात करें, बेसिक डिटेल रखूं तो इस फंड का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 5000 से आप स्टार्ट कर सकते हो। ये एक ओपन इंडेक्स स्कीम है। अगर इस फंड का हम यहाँ पे NFO डेट की बात करें तो 30 अप्रैल से लेके 10 मई तक ये ओपन है। हेल्थ केयर रिलेटेड से यहाँ पे 20 लार्जेस्ट स्टॉक है इसमें कवर किया गया है। अगर बेंचमार्क की बात करें तो यहाँ पे जो बेंचमार्क है निफ्टी हेल्थ केयर TRI इंडेक्स है। एग्जैक्टली इस इंडेक्स से कंपेयर किया जाएगा कि क्या ये फंड परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है कि नहीं। और ये जो फंड मैनेज किया जाएगा वो जिनेश जी के साइड से ये मैनेज किया जाएगा। इंडिया में जो हेल्थ केयर का अभी स्टेटस है वो एग्जैक्टली हमें पता चल गया है कि कोई भी स्टेट वैसा नहीं है जो यहाँ प्रॉब्लम को 100% फेस कर ले और अपने स्टेट में हो रहे इस कोरोना के सिचुएशन को 100% सॉल्व कर ले। बहुत सारी कमी देखी जा रही है, ऑक्सीजन की कमी है, हॉस्पिटल्स की कमी है, डॉक्टर की कमी है। और वाकई में आने वाले टाइम में इंडिया में बहुत ऐसे स्टेट हैं जो इन सारे पॉइंट पे काम करेगी और इससे हेल्थ केयर से रिलेटेड डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा, मेडिकल से रिलेटेड डिमांड ज़्यादा पड़ेगा, मेडिसिन से रिलेटेड डिमांड ज़्यादा पड़ेगा। इन सारे पॉइंट को फोकस करके यहाँ पे एक्सिस ने ये NFO इन्वेस्टर के सामने रखा है। देखो इंडिया में अगर इसका स्कोप देखा जाए तो 65% लोग जो हैं एग्जैक्टली अपने पॉकेट से यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस करते हैं। अगर आप दूसरी कंट्री की बात करो जैसे US की बात करो तो सिर्फ 11% ऐसे लोग हैं जो अपने पॉकेट से यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस करते हैं। बाकी सब वो पॉलिसी पे डिपेंड होते हैं या गवर्नमेंट्स के कोई फंड होते हैं उस पे डिपेंड होते हैं। लेकिन इंडिया में 65% जो लोग हैं वो अपने पॉकेट से यहाँ पे एक्सपेंसेस करते हैं। यहाँ पे जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है और आने वाले टाइम में इस डिमांड का असर स्टॉक्स पे देखने को मिल सकता है। अब आपके सामने मैं वो 20 स्टॉक रखता हूँ, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो इस फंड के अंदर हैं जिसमें पैसा आपका लगेगा। यहाँ बहुत बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक्स हैं। मैं आपके सामने कुछ एक स्टॉक का नाम रखता हूँ, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, यहाँ पे लुपिन है, यहाँ पे आप देख सकते हो सन फार्मा है, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स है, अबोट इंडिया है, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक हैं, सिप्ला है, यहाँ पे दिव्यास लेबोरेटरी है, डॉक्टर रेड्रिस है, फोर्टिस हेल्थ केयर है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, दिग्गज स्टॉक। और ऐसे स्टॉक्स में यहाँ पे पैसा लगेगा, ऐसे स्टॉक्स में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। देखो मैं आपके सामने कुछ और डाटा यहाँ रखना चाहता हूँ। एक साल के अंदर ऐसे स्टॉक्स हैं जो 20 दिग्गज स्टॉक्स हैं जिसमें आपका पैसा लगेगा, ऑन द एवरेज कितना रिटर्न देखने को मिला है। देखो मैंने यहाँ पे स्मॉल केस में ऐसे स्टॉक्स को ऐड किया है और एक साल का जो रिटर्न देखा है ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हो 39-40% का रिटर्न है एक साल का रिटर्न। हालांकि अगर निफ्टी से कंपेयर किया जाए तो निफ्टी को बीट नहीं कर पाया है, लेकिन अगर हम हेल्थ केयर इंडेक्स से यहाँ पे कंपेयर करें, फार्मा इंडेक्स से यहाँ पे कंपेयर करें तो थोड़ा सा हमें आसपास देखने को मिलता है। निफ्टी का जो यहाँ पे एक साल का रिटर्न है 58-59% का है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इंडेक्स जो मैंने तैयार किया है जो 20 स्टॉक्स है उसका ऑन द एवरेज एक साल का रिटर्न सिर्फ 40% है। देखो एक साल के रिटर्न के बेसिस पे तो हम यहाँ पे डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन हाँ आने वाले फ्यूचर में यहाँ पे थोड़ा सा डिमांड बढ़ सकता है। यहाँ पे गवर्नमेंट भी ऐसे सेक्टर में पैसा लगाएगी, चाहे आप मेडिसिन से रिलेटेड बात करें या हॉस्पिटल से रिलेटेड बात करें या फिर ये जितने भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है उससे रिलेटेड बात करें, प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है तो डिमांड बढ़ सकता है और इसको देख के ऐसे स्टॉक्स के प्राइस में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे बात ये निकल के आता है कि कैसे इन्वेस्टर को ऐसे फंड के साथ जुड़ना चाहिए। अगर आपका स्ट्रेटेजी यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए है तो एग्जैक्टली ये फंड आपके लिए सुटेबल है। देखो एक ETF है, आप डेली बेसिस पे इस पे ट्रेड भी कर सकते हो, लेकिन एक आप ट्रेडर नहीं हो, आप एज एन इन्वेस्टर ऐसे फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको लंबे समय के लिए इसमें बने रहना पड़ेगा। अगर आप लंबे समय के लिए इसमें बने रहते हो
तो ये वाकई में आपके लिए सूटेबल है। अब लंबे समय की बात करें तो कम से कम इक्विटी ओरिएंटेड फंड जो है आपको 3 से 5 साल कम से कम देना ही पड़ेगा। हाँ, आप 10 साल भी जा सकते हो, 12 साल भी जा सकते हो, आप अपने रिक्वायरमेंट और आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ये आगे आने वाले टाइम में आप डिसीजन ले सकते हो। दूसरी बात करें, अगर आप एक पैसिव इन्वेस्टर हो तो एग्जैक्टली ये जो NFO हो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, लेकिन रिस्क का फैक्टर काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको देखना है एग्जैक्टली अगर आप रिस्क ले सकते हो तो यहाँ पे पैसा लगा सकते हो। थर्ड, अगर मैं बात करूँ, अगर देखो आप सेक्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेट कर रहे हो कि मुझे फार्मा सेक्टर में पैसा लगाना है या फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स में पैसा लगाना है, तो आपके लिए NFO है, क्योंकि ये जो सेक्टर है वो हेल्थ केयर से रिलेटेड जितने स्टॉक्स हैं उस पर फोकस किया गया है और एक सेक्टर बेस ये NFO है। अब दूसरी बात करते हैं कि कैसे इन्वेस्टर को ऐसे फंड से दूरी बना के रखना चाहिए। देखो, अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो, देखो ये एक सेक्टर फंड है तो सिर्फ हेल्थ केयर रिलेटेड स्टॉक्स पे फोकस किया गया है, अगर इस इंडस्ट्री में गिरावट हुआ तो आपके पूरे फंड में गिरावट देखने को मिलेगा। हम कोई भी म्यूचुअल फंड लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का, एक फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड का, तो हमें हर कैप का स्टॉक देखने को मिलता है, लार्ज कैप, मिड कैप, यहाँ पे स्मॉल कैप, और हर सेक्टर से आपको यहाँ पे कोई ना कोई स्टॉक देखने को मिलेगा, जिससे होता क्या है कि अगर किसी एक सेक्टर में गिरावट भी होता है तो किसी दूसरे सेक्टर में तेज़ी के चलते हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन ये जो आप देख रहे हो, ये हेल्थ केयर रिलेटेड से जितने स्टॉक्स हैं सिर्फ उस पर फोकस किए हुए हैं, तो अगर इस इंडस्ट्री में गिरावट होगा तो आपको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। तो अगर आप हाई रिस्क नहीं ले सकते हो तो ऐसे NFO से आप दूरी बना के रखें। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा, अगर आपके पोर्टफोलियो में, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड स्टॉक्स हैं, जो मैंने स्टॉक्स अभी बताया है वैसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हैं, आपके म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी हैं, तो फिर कोई ज़रूरी नहीं ऐसे NFO में आप इन्वेस्ट करें। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई फार्मा सेक्टर का म्यूचुअल फंड है, आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई ऐसा हेल्थ रिलेटेड कोई म्यूचुअल फंड है, तो वाकई में कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे NFO में आप इन्वेस्ट करें। थर्ड, मैं इसमें पॉइंट आपको रखना चाहूँगा, अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हो, आप नए नए इन्वेस्टमेंट के लिए आए हो, तो मैं आपको राय नहीं दूंगा कि ऐसे NFO में आप इन्वेस्ट करें या ऐसे फंड के साथ जुड़ें। आपको ऐसा फंड लेना है जो वेल डाइवर्सिफाई हो, एग्जैक्टली हर सेक्टर का स्टॉक देखने को मिले, मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप का भी परसेंटेज हो। इससे होगा क्या कि आपको नुकसान कम होगा और रिस्क का फैक्टर भी वहाँ थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा कंपेयर टू दिस फंड। अगर देखो आप कुछ भी नहीं जानते हो, म्यूचुअल फंड आपके लिए नया है, तो आपके लिए ये फंड सूटेबल नहीं है। आप इससे अच्छा कोई इंडेक्स फंड का सहारा लें या फिर लार्ज कैप पे फोकस करें। आपको ऐसे फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखो, बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, जब नया NFO आता है तो बहुत जल्दबाजी में इन्वेस्ट कर देते हैं। आपको अपना रिसर्च जरूर करना है, आपके रिस्क को नहीं जानता हूँ, आप अपने लेवल में अपने रिस्क को एनालाइज करें और उसके बेसिस में फ़ंड का सिलेक्शन करें। ये नहीं कि हर NFO में पैसा लगाना ज़रूरी नहीं है। क्या वो फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए सूटेबल है, क्या वो फंड आपके रिस्क के लिए सूटेबल है, इन सारे पॉइंट को फोकस करके आप रिसर्च करें और उसके बाद ही ऐसे फंड का सहारा लें। तो ये था एक्सिस हेल्थ केयर ETF के बारे में। आपका क्या राय है आप जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में आएं। और हाँ, कोई क्वेरी हो आपके माइंड में इस NFO से रिलेटेड, इस फंड से रिलेटेड, एग्जैक्टली आप स्वागत है आपका, कमेंट बॉक्स में आके आप क्वेरी जनरेट कर सकते हो। आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, तो अभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।